केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर नवनिर्मित पैदल ऊपरगामी पुल, प्रवेश द्वार, सैनिटरी पैड पेंडिंग मशीन का लोकार्पण कर उनका उद्घाटन किया। इस दौरान काफी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी व रेलवे के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं रेलवे महाप्रबंधक श्रीमती अनुप्रिया पटेल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मिर्जापुर में विकास की जो कड़ी है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिससे आज एक उदाहरण दिखने को मिल रहा है कि अपने रेलवे स्टेशन पे आज जो उद्घाटन हुआ है, शिलान्यास हुआ है, वो बहुत ही आगे चल के अपने इन सुविधाओं को अच्छे रूप में प्रस्तुत करेगा कि अपने जो भी यहाँ पर यात्री आते जाते हैं उनकी जो असुविधा थी वो आज दूर हो चुकी है। और मैं पुनः सभी मिर्जापुर जनपद वासियों को अपने माननीय मंत्री मिर्जापुर की आज प्रमुख फैसिलिटी जो अभी पिछले विगत वर्षों में एक दो वर्ष में सारी क्रिएट हुई है, फुटओवर ब्रिज, एस्केलेटर जो आज ट्रायल रन किए गए हैं, इसके साथ साथ फ्री वाईफाई की सुविधा, ये सारी जनप्रतिनिधियों ने जितनी डिमांड की थी इस क्षेत्र के जितने पैसेंजर हैं उनके लिए सुविधाओं का आज शुभारंभ माननीय हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर MOS श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने जो आज यहाँ किया, उम्मीद है कि जनपद के लोगों को इनसे बहुत ही फायदा होगा। इसके अलावा जो रेलवे की तरफ से इस जनपद के दोनों स्टेशनों पर सुविधाएँ दी जा रही हैं, FOB दोनों अक्टूबर नवंबर तक FOB चालू करने की सुविधा का पूरे प्रयास है, लिफ्ट भी इसी समय चालू की जाएंगी और टारगेट किया जा रहा है कि जो सेकंड एंट्री बहुत लंबे समय से यहाँ प्रस्तावित थी, आज जिसका शिलान्यास किया गया है, इसी फाइनेंशियल ईयर में यथासंभव फरवरी मास तक इसको, इस क्षेत्र को पूरी तरह से क्रियान्वित करके दे दिया जाएगा। ये अभी एंट्री ही है क्योंकि उस साइड से सारा माल गोदाम का है, जितने पैसेंजर प्लेटफॉर्म है 1, 2, 3 ये इसी तरफ है, वहाँ से एंट्री मिलेगी विद एस्केलेटर, जिससे पैसेंजर बहुत ही सुविधाजनक तरीके से आ सके। चढ़ने के लिए भी एस्केलेटर दिया जा रहा है, उतरने के लिए भी दिया जा रहा है।